नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हेमा मालिनी ने गदर 2 देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने सनी देओल की तारीफ की। हेमा ने कहा कि जैसी उम्मीद थी फिल्म बिल्कुल वैसी ही थी। हेमा के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने काफी अच्छा काम किया है। फिल्म की सभी स्टार कास्ट ने अपना बेस्ट दिया है। इन सबके अलावा सनी देओल का काम शानदार है। हेमा ने कहा कि इस फिल्म के जरिए 70 और 80 के दौर का फिर से अनुभव करने का मौका मिला है। हेमा मालिनी जब फिल्म देखकर निकली तो उन्हें पेपरा जी ने चारों तरफ से घेर लिया। पेपरा जी ने हेमा से गदर 2 का शॉर्ट रिव्यू देने को कहा। हेमा फिल्म देखने के बाद काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, गदर 2 देखकर आई हूँ। जैसा एक्सपेक्टेड था फिल्म बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत दिलचस्प फिल्म है। ऐसा लग रहा है कि 70 और 80 का दौर लौट आया है। अनिल शर्मा जी इस फिल्म के जरिए पुराने दौर को फिर से लेकर आए हैं। हेमा ने आगे कहा, सनी ने सुपर काम किया है। अनिल जी के बेटे उत्कर्ष ने भी अच्छा काम किया है। जो नई लड़की है वो भी बहुत अच्छी लगी। ये फिल्म देखकर राष्ट्र के प्रति भाव जाग गया। मुस्लिमों के प्रति जो भाईचारा होना चाहिए फिल्म में वो भी दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि गदर 2 की रिलीज के साथ देओल फैमिली के सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। अभी पिछले दिनों हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी थी। सनी देओल और बॉबी देओल भी वहां मौजूद थे। सनी ने ईशा को गले भी लगाया था। यह मोमेंट इसलिए रेयर था क्योंकि सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्ते कभी बेहतर नहीं रहे। जाहिर सी बात है कि हेमा की दोनों बेटियां ईशा और आहना भी सनी और बॉबी के साथ कभी घुल मिल नहीं पाई। हालांकि अब कुछ सही होता दिख रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।